गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन वन, लेसन टू, पोयम वन एंड पोयम टू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी हैं और ये आपकी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा और इनके नोट्स बना लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अन्य लेसन्स के एमसीक्यूज और इसी प्रकार के वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए देखते हैं लेसन फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट एमसीक्यू। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, मींस लेंचो के द्वारा भेजा गया लेटर किसने पढ़ा। एंड द करेक्ट आंसर इज द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के लेखक कौन है। एंड द करेक्ट आंसर इज जी एल फ्लुंटस। अ लेटर टू गॉड के लेखक जी एल फ्लुंटस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता है। एंड द राइट आंसर इज बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचता है कि वे बदमाशों का समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के द्वारा कितना पैसा अरेंज किया गया। एंड द राइट आंसर इज 70 पैसोस। पोस्ट मास्टर के द्वारा 70 पैसोस अरेंज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। खेत ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि वे कवर किए गए हों। किस चीज़ से? सॉल्ट से। द करेक्ट आंसर इज सॉल्ट। खेत ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वे सॉल्ट से कवर किए गए हों। लेंचो हैड ग्रोन ब्लैंक इन हिज फील्ड्स। लेंचो ने अपने खेतों में कॉर्न उगाए थे, मक्के की खेती की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। एंड द राइट आंसर इज टॉप ऑफ अ हिल। लेंचो का घर पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो ने बारिश की बड़ी बूंदों की तुलना किससे की थी। एंड द राइट आंसर इज न्यू कॉइन्स। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड्स। लेंचो के खेतों को किस चीज़ ने बर्बाद कर दिया। एंड द राइट आंसर इज हेल्स स्टोन्स। लेंचो के खेतों को ओलावृष्टि ने बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो हैड फेथ इन। लेंचो का किस पर विश्वास था। एंड द राइट आंसर इज द गॉड। लेंचो का ईश्वर पर विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी। टू सेव हिज फैमिली। लेंचो को अपने परिवार की रक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत थी। लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने पत्र लिखा, किसको लिखा। गॉड। द राइट आंसर इज गॉड। तो ये थे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन वन। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम के पोएट कौन है। एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रो से ऑन द पोएट।
क्रो मीन्स कौवे ने पुएट के ऊपर क्या गिराया? एंड द राइट आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। पुएट के ऊपर कौवे ने बर्फ के कण गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पुएट बाय। डस्ट ऑफ स्नो ने पुएट को किस तरह से प्रभावित किया? चेंजिंग हिट मूड, डस्ट ऑफ स्नो ने पुएट के मूड को चेंज कर दिया, अच्छा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। क्रो कहाँ बैठा हुआ था, कौआ कहाँ बैठा हुआ था? एंड द राइट आंसर इज ऑन अ हेमलॉक ट्री, कौआ हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द पोएट सेव इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम में पोएट ने क्या बचा लिया? एंड द राइट आंसर इज सम पार्ट ऑफ द डे, पोएट ने अपने कुछ समय को दिन के नष्ट होने से बचा लिया था। नाउ सी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड पोयम फायर एंड आइज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज Who has written the poem Fire and Ice? Fire and Ice poem को किसने लिखा? And the right answer is Robert Frost. Fire and Ice poem को भी Robert Frost ने लिखा है। Next question, What does ice symbolize in the poem Fire and Ice? Fire and Ice poem में ice means बर्फ किसका प्रतीक है? And the correct answer is hatred. Fire and Ice poem में ice जो है वो हेट्रेड मीन्स नफरत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोयम फायर एंड आइज। फायर एंड आइज पोयम में फायर मीन्स आग किस चीज का प्रतीक है? एंड द करेक्ट आंसर इज डिजायर। फायर एंड आइज में फायर डिजायर का प्रतीक है, मीन्स इच्छा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑफ पेरिस। पेरिस वर्ड का क्या मीनिंग है? एंड द राइट आंसर इज डाई। पेरिस वर्ड का मीनिंग होता है डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार कौन सी चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी? एंड द राइट आंसर इज वर्ड। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्ड विल एंड वन डे। सो दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम पोयम टू। नाउ सी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ लेसन टू, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला What is courage? Nelson Mandela के अनुसार courage means शक्ति क्या होती है? And the right answer is triumph over fear. डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही असली courage, असली साहस होता है। Next question, according to Nelson Mandela, what is a country's greatest wealth? नेल्सन मंडेला के अनुसार देश का सबसे बड़ा धन क्या होता है? एंड द राइट आंसर इज इट्स पीपल। किसी भी देश के लोग उस देश का सबसे बड़ा धन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? एंड द राइट आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे या निर्वाचित किए गए थे? एंड द राइट आंसर इज टू। टू डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। किस बदलाव ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका आने पर मजबूर किया? एंड द करेक्ट आंसर इज एंड ऑफ अपार्टहाइड। रंगभेद नीति के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका
में बुलाया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड मंडेला वॉन्ट टू थैंक, नेल्सन मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पैट्रियट्स, नेल्सन मंडेला देश के देशभक्तों को धन्यवाद देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, उत्पीड़न की गहराई क्या निर्मित करती है? एंड द राइट आंसर इज हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की ऊंचाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम्स ऑफ अनदर मैन इज, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन करता है उसे, वह क्या होता है? अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह स्वयं नफरत का कैदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, हृदय में प्राकृतिक रूप से कौन सी चीज़ आती है? एंड द राइट आंसर इज लव, लव कम्स नेचुरली टू हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, कौन सी आग बुझाई या दबाई नहीं जा सकती है? एंड द राइट आंसर इज मैंस गुडनेस, मनुष्य की अच्छाई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वॉज डिस्प्लेड बाय, शानदार सारणी किसके द्वारा निर्मित की गई थी? एंड द राइट आंसर इज मिलिट्री, साउथ अफ्रीका की मिलिट्री के द्वारा शानदार सारणी डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय, नेल्सन मंडेला किसके साथ इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए थे? एंड द राइट आंसर इज हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की बेटी कौन थी? एंड द राइट आंसर इज जेनानी, जेनानी वॉज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके लेसन वन, लेसन टू, पोएम वन एंड पोएम टू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स लेकर हम बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हमारे इंग्लिश स्टडी चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you. Have a good day.